नमस्कार, जय श्री श्याम गीता टिप्स में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। यदि ऑलरेडी दबा चुके तो दोबारा मत दबाइएगा। तो आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाली हूँ कि लॉकडाउन में इतने दिन अपने घरों में बंद रहने पर आप लोगों को कैसा फील हुआ? एक कैदी जैसा फील हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं अब हम लोग बिग बॉस के घर में रहने लगे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। एक आप सोचो कि हम लोग 10 दिन भी घर के अंदर नहीं रह सके, तो 10 दिन में हम लोग घर के अंदर रहते हुए एकदम छटपटाने लगे कब हम बाहर जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, जबकि हम लोग अपने घर में चलो 2 रूम है, 3 रूम है, जिसके भी जितना भी बड़ा घर है, छोटे वाले छोटे में, जैसे रहने की आदत है, बड़े वाले बड़े में रहते हैं। एटलीस्ट हम लोग मूवमेंट करने की तो परमिशन है, हम लोग किचन में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, डाइनिंग रूम में जाते हैं, तो हम लोग इतना हम लोग का मूवमेंट ऑलरेडी रहता है। उसके बावजूद हम लोग कितने ज्यादा बोर हो रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, इंटरनेट पे सब कुछ देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों का इंसानों का जी छटपट कर रहे हैं, नीचे जाते हैं। तो जरूर कम से कम मैं मार्केट गई थी, एकदम पास ही में गई थी, तो देखा लोग झुंड बना के गप्पे मार रहे, बोर हो रहे हैं, तो सोचो कितनी छटपटाहट होती है। हम लोगों को 10 दिन बंद कर देंगे तो ये हाल है, तो सोचो उन पंछियों का क्या हाल होता होगा जिन्हें आप पिंजरे में कैद करके रखते हो। तोता जिसे सिर्फ इतने बड़े, सिर्फ इतने छोटे से पिंजरे में आप बंद करके रखते हो, जो अपने पंख फैला भी नहीं पाता है ठीक तरीके से, उससे आप कैद करके रखते हो, जो आसमान में, खुले आसमान में उड़ने की सोचता है, कितना कितना दूर वो लोग जाते हैं, अपने मन चाहा फल खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें आप घर के पिंजरे में रखते हो और उन्हें मिठू बोलना सिखाते हो, तो आप बड़े खुश हो जाते हो, हाँ हम लोग का तोता देखो राम राम बोलना सीख गया, मिठू बोलना सीख गया बेचारा। लेकिन कभी उसकी तड़प आप लोगों ने देखी? कभी आप लोगों ने सोचा कि उसका भी मन करता कि वो उस पिंजरे से बाहर निकले, उड़े आजाद पंछी की तरह? तो सोचिए कितना बुरा हाल होता होगा उन लोगों का। हम लोग 10 दिन नहीं रह सके, उन लोगों को आप लोग कितने कितने सालों तक पिंजरे में रखते हो। माया दया कुछ नहीं आती आप लोगों को, ठीक है वो रहता है, हम लोगों की अटैचमेंट हो जाती है जब हम लोग किसी भी जीव को पालते हैं, चाहे हम लोग प्लांट की ही बात करें, प्लांट में भी प्राण होते हैं, तो जब हम एक प्लांट को डेली पानी डालते हैं तो उसके एक पत्ता भी टूट जाता है तो हमारे मन को ठेस पहुंचती है, अरे इसका तो एक पत्ता टूट गया। किसी भी चीज को आप पालते हो, चाहे प्लांट हो या कोई जीव जंतु को भी अपने पालते हैं, तो ऐसा होता है। स्पेशली मैं डॉगीज लोग के लिए तो नहीं कहूंगी कि डॉगीज लोग के लिए तो बल्कि बहुत अच्छा है, घर में जब पालते हो तो उन्हें साफ सुथरी एक जिंदगी मिलती है, लेकिन पंछियों को कैद बनाकर, कैदी बनाकर उन्हें कभी भी न रखे, जो घूम नहीं सके, उड़ नहीं सके। प्लीज यदि आप लोगों को लॉकडाउन से सबक मिला है तो मैं हर उस बंदे से रिक्वेस्ट करूंगी जो पिंजरे में पंछियों को कैद करके रखता है, तो प्लीज यदि आप लोग के मन में थोड़ी सी भी इंसानियत है, आप लोगों के मन में थोड़ी सी भी मेरी बात की यदि जागृत हो रही है, तो प्लीज अभी के भी तुरंत अपने पंछियों को आजाद कर दीजिए। यदि वो आपका खुद का है तो उड़कर वापस आपके पास आएगा आपसे मिलने के लिए, लेकिन प्लीज किसी भी पंछी को पिंजरे में कैद मत करिए। ये लॉकडाउन बहुत बड़ा सबक है इंसानों को, सबक दिखाने के लिए कि जब हम इतने मूवमेंट के बावजूद भी अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, किसी न किसी बहाने हम लोग खोजते रहते कि घर के बाहर जाए, सब्जी लेने चल जाए या स्टोर में चल जाए, दूध लेने चल जाए, कुछ भी करने चल जाए, एक बहाना खोजते रहते घर से बाहर निकलने का, तो सोचिए उस पंछी का क्या हाल होता होगा जो इतने सालों से आप लोगों के पास पिंजरे में कैद है। प्लीज यदि इंसानियत है तो प्लीज हर पंछी को आजाद कर दीजिए, जितने भी पिंजरे में पंछी उन सबको आजाद कर दीजिएगा। आप जब आजाद करोगे आपकी आत्मा को एक अलग सी खुशी मिलेगी, एक अलग सी खुशी मिलेगी आपकी आत्मा को, और आप मुझे भी थैंक्स बोलोगे कि मैंने भी आपको ये बात की। हाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मैं तो इस बारे में सोच ही रही थी, लेकिन मेरे एक व्यूअर से स्वाति बोल के एक है दीदी जो मुझे बहुत फॉलो करती, उन्होंने भी मुझसे ये बात कही कि सोचो पंछी का क्या हाल होता होगा। मैं भी ये बोली कि मैं भी ये सोचो कि लॉकडाउन में 3 दिन के हाल, 3 दिन में ही लोगों का हाल बेहाल हो गया था। आज तो मैं कर रही हूँ तो 10 दिन हो चुका है लॉकडाउन हुए, तो 10-11 दिन कुछ ऐसे हो चुके हैं, तो सोचो उन पंछियों का क्या हाल होता होगा।
प्लीज मैं कहती हूँ कि उन हर पंच को आजाद कर दीजिए। जब आप खुद अपने आप को पिंजरे में कहते कि जैसे यदि महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज दूसरे की भी तकलीफ को समझिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। यदि प्लीज आई है तो मेरी बात मानकर हर पंछी को आजाद कर दीजिए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, अलविदा।